हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके नॉलेज। तो आज हम इस वीडियो में दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश ग्रीनलैंड के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें और अमेजिंग फैक्ट देखने वाले हैं। तो हमारा यह वीडियो लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। जैसा कि मैंने बताया, ग्रीनलैंड दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश है, मगर ग्रीनलैंड की कुल जनसंख्या 58,000 ही है, यानी कि हमारे देश के छोटे से शहर जितनी। ग्रीनलैंड देश की क्षेत्रफल की बात करें तो उसका क्षेत्रफल लगभग 82,000 वर्ग मील है, यानी कि 1,32,000 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल के मामले में यह ऑस्ट्रेलिया के बराबर है और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जो वास्तव में 3 अलग अलग द्वीपों से बना है, जो ग्लेशियर के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ग्रीनलैंड एक देश होते हुए भी इसके ऊपर डेनमार्क का पूरा अधिकार है। हालांकि भौगोलिक रूप से यह उत्तर अमेरिका महाद्वीप का एक हिस्सा है, लेकिन 18वीं सदी के बाद से यूरोप, खासतौर पर डेनमार्क से राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ग्रीनलैंड देश, जिसका नाम ही है ग्रीनलैंड, तो उस देश में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हरियाली होती होगी। मगर मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। सिर्फ उस देश का नाम ही ग्रीनलैंड है, वह की लैंड ग्रीन नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि उस देश की जो धरती है वो 85% बर्फ से ढकी हुई है, इसलिए केवल तट के कुछ भागों को छोड़कर संपूर्ण द्वीप बर्फ की लगभग 1000 फीट मोटी चादर से ढका हुआ है। इसलिए उस द्वीप पर सिर्फ 58,000 ही लोग रहते हैं और उनका मुख्य व्यवसाय है मछलियाँ पकड़ना और उनका तेल निकालना। और कुछ लोग खेती भी करते हैं, मगर वह सिर्फ कुछ इलाकों में ही सीमित है और साल के सीमित समय में ही होती है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ग्रीनलैंड देश आर्कटिक सर्कल में आता है। तो यह थी कुछ ग्रीनलैंड देश की इंटरेस्टिंग बातें। तो अब हम ग्रीनलैंड देश के कुछ अमेजिंग फैक्ट देखने वाले हैं। तो नंबर 1, आप सभी को किसी ने पूछा कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर रेलवे सिस्टम नहीं है, तो आप क्या जवाब दोगे? नहीं मालूम ना? तो मैं बता दूं, दुनिया का ग्रीनलैंड एक ऐसा देश है जहां पर किसी भी तरह की रेलवे सिस्टम मौजूद नहीं है और 85% हिस्से में सिर्फ बर्फ होने के कारण यहाँ पर रोड की भी कमी है, इसलिए गाड़ियाँ भी कम है। इसलिए यहाँ के लोग ज़्यादातर बोट, हेलीकॉप्टर और प्लेन से ही यात्रा करते हैं। अब सेकंड, ग्रीनलैंड भी एक ऐसा देश है जहाँ गर्मियों के मौसम में सूरज नहीं डूबता है, जैसा कि आर्कटिक सर्किल में मौजूद नॉर्वे देश में होता है। इसलिए यहाँ पर महीनों तक दिन ही होता है। तो मैं आपको बता दूँ कि आपको और ऐसे ही देश के बारे में पता करना है जहाँ पर महीनों तक रात नहीं होती है, तो हमारा ऊपर आई कार्ड में दिया गया वीडियो देख सकते हो। हमने उस वीडियो में ऐसे ही 6 देशों के बारे में बताया हुआ है, तो आप एक बार ज़रूर देखिएगा। अब थर्ड, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है मछलियाँ पकड़ना। तो इस इलाकों में 225 तरह की मछलियों की प्रजातियाँ पाई जाती है। अब फोर्थ, नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते हुए अगले 70 से 80 सालों में समुद्र में 3 से 4 फीट पानी अकेले ग्रीनलैंड में पिघलने वाली बर्फ से बढ़ सकता है, जो कि कई हिस्सों को डुबोने के लिए काफ़ी होगा। अब फिफ्थ, ग्रीनलैंड देश नॉर्थ पोल में स्थित है, इसलिए रात के समय आकाश में रंगीन लाइट दिखाई पड़ती है, जिसे हम अरोरा बोरियालिस कहते हैं। अगर आपको अरोरा बोरियालिस के बारे में कुछ पता नहीं है तो हमारा ऊपर आई कार्ड में दिया गया वीडियो देख सकते हो, आप उस रंगीन लाइट के बारे में सब कुछ जान लोगे। अब सिक्स, ग्रीनलैंड में रेनडियर, सफ़ेद खरगोश, आर्कटिक लोमड़ी, पोलर बियर और 350 प्रकार के जंगली फूल भी पाए जाते हैं। अब सेवंथ, सन 1946 में अमेरिका ने डेनमार्क से ग्रीनलैंड को खरीदना चाहा था, लेकिन यूरोप ने अमेरिका को यह द्वीप बेचने से मना कर दिया था। तो यह थी कुछ ग्रीनलैंड के बारे में इंटरेस्टिंग बातें और अमेजिंग फैक्ट।
तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।